अरविंद केजरीवाल ने 9 अप्रैल को कई राज्यों में हुए उपचुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर तीखे वार किए। राजस्थान के धौलपुर सीट पर 18 मशीनों में गड़बड़ियों के आधार पर ईवीएम की प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ के आरोप लगाए। केजरीवाल ने कहा कि जहां जहां वीवीपैट नहीं होगी वहां गड़बड़ी फैलेगी। एक विधानसभा में ऑन एन एवरेज 200 के करीब बूथ होते हैं। 200 में से 18 मशीने गड़बड़, यानी कि लगभग 10% मशीनों की गड़बड़, वो तो मिल गई, बाकी 180 मशीनों पे गड़बड़ थी कि नहीं थी ये पता ही नहीं है। तो क्या चुनाव करा रहे हैं ये लोग, और जांच करने के लिए तैयार नहीं है। मैं खुद मिला पूरे चुनाव आयोग से, हमने कहा भाई मशीन में क्या कोड डाला गया ये पता तो करो, मशीन में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी। मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी IIT से पढ़ा हुआ हूँ। आप कहते हो गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी कैसे हो सकती है? अगर गड़बड़ी होती तो एक मशीन कांग्रेस को वोट डाल रही होती, एक मशीन BJP को वोट डाल रही होती, कोई मशीन आम आदमी पार्टी को, तो ये इसको गड़बड़ी कहते हैं। जब सारी की सारी मशीनें BJP को ही वोट डाल रही हैं तो ये गड़बड़ी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की गई है, सॉफ्टवेयर ऐसा डाला गया है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग की तुलना धृतराष्ट्र से की और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का मकसद BJP को सत्ता में पहुंचाना हो गया है। इसका मतलब इन 18 मशीनों का सॉफ्टवेयर बदला गया, इनका कोड बदला गया, इनकी प्रोग्रामिंग बदली गई। ये किसने कोड बदला, किसने प्रोग्रामिंग बदली, कब बदली, कहां बदली, किसकी सहमति से बदली, इसकी जांच करने के लिए चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार नहीं है। अब तो ये शक होने लगा है कि ये चुनाव आयोग के इशारों पे तो नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में 2006 से पहले के ईवीएम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निगम चुनाव के लिए राजस्थान से मंगवाए जा रहे ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जाहिर की है। खास बात यह है कि चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी केजरीवाल उसी चुनावी प्रक्रिया से बाहर होने का जोखिम भी नहीं उठाना चाह रहे। सर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे मैदान, और इनको भी ठीक करेंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे। केजरीवाल के तमाम आरोपों के बीच नगर निगम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए ईवीएम को RO दफ्तर में